स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मल्टी पीरियड मॉडल जो है उसको डिस्कस करेंगे। हमारा ये लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर के साथ लिंक्ड है, जिसमें हमने जे डब्ल्यू बोमल का मल्टी पीरियड मॉडल जो है उसको डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट अजम्पशंस और उसके इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास जो दो टूल्स थे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आइसो प्रेजेंट वैल्यू कर्व और दूसरा हमारे पास जो ग्रोथ रेवेन्यू कर्व था, उनकी डेरिवेशन और उनकी शेप को हमने जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे इन दोनों टूल्स यानी आइसो प्रेजेंट वैल्यू कर्व और दूसरी तरफ ग्रोथ रेवेन्यू कर्व जो है इसको इस्तेमाल करते हुए एक जो फर्म होगी वो इक्विलिब्रियम अपना जो है ना वो हासिल कर सकेगी। अब अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें और हम देखें कि हमारे पास जो कर्व्स होंगे, यानी जो हमारे पास आइसो प्रेजेंट वैल्यू कर्व होगा वो किस किस्म का कर्व होगा, और साथ ही हम ये देखें कि हमारे पास जो ग्रोथ रेवेन्यू कर्व होगा वो किस किस्म का जो है ना वो कर्व कहलाएगा। तो अगर हम आइसो प्रेजेंट वैल्यू कर्व की बात करें तो लास्ट हमने डिस्कस किया कि दिस कर्व शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ जी एंड आर दैट यील्ड द सेम फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ सेल्स। और ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया था उसमें हमने देखा कि ये जो कर्व होता है ये नेगेटिवली स्लोप्ड हमारे पास जो है वो एक कर्व होता है, जो कि आप कह लें कि जाहिर करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रोथ रेट एंड सेल्स रेवेन्यू को जो कि एक फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट की मदद से जो है ना वो अटेन कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम इस कर्व को ड्रॉ करें तो हमारे पास एक नेगेटिवली स्लोप जो है ना वो कर्व बनता है, जो कि आइसो प्रेजेंट वैल्यू कर्व जो है ना वो कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो आइसो प्रेजेंट वैल्यू कर्व जो है ना वो दिए गए होंगे, जिसको हम आइसो प्रेजेंट वैल्यू मैप का जो है ना वो नाम देंगे, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा आइसो प्रेजेंट वैल्यू कर्व जो है ना वो कहलाएंगे। तो ये जब हमें आइसो प्रेजेंट वैल्यू मैप जो है वो दिया गया हो, और इसी तरह से दूसरी तरफ हमें जो है वो ग्रोथ रेवेन्यू जो है ना कर्व दिया गया हो, तो हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों कर्व्स को इस्तेमाल करते हुए फर्म जो है वो अपना इक्विलिब्रियम जो है ना वो डिटरमिन करेगी। अब यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं ग्रोथ रेवेन्यू कर्व जो है ना वो हमारे पास, तो वो कर्व जो है जब हम ड्रॉ करेंगे तो इधर हमारे पास सेल्स रेवेन्यू होगा, इधर हमारे पास जो है वो जो ग्रोथ रेट है उसको जो है ना वो हम जाहिर करेंगे। तो ये हमारे पास जो कर्व होगा ये हमारे पास ग्रोथ रेवेन्यू जो है ना वो कर्व कहलाएगा। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म जो है वो वहाँ पे होगा जहाँ पे ग्रोथ रेवेन्यू कर्व जो होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल आइसो प्रेजेंट वैल्यू कर्व को जो है ना वो टेंजेंट करेगा, या दूसरे लफ्जों में द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी डिफाइंस द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ एंड सेल्स रेवेन्यू दैट इज अटेनेबल रेट ऑफ ग्रोथ एंड लेवल ऑफ करंट सेल्स विच मैक्सिमाइजेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फ्यूचर रेवेन्यू। अगर हम इन दोनों कर्व्स को जो है वो एक डायग्राम पे ड्रॉ करें और इस डायग्राम में हमें जो आइसो प्रेजेंट वैल्यू मैप है वो दिया गया हो, और इसी तरह आइसो वैल्यू मैप जो है उसके साथ अगर हम ग्रोथ रेवेन्यू कर्व जो है ना वो बनाएं, तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो वहाँ पे होगा जहाँ पे हमारा जो आइसो प्रेजेंट वैल्यू कर्व जो है वो टेंजेंट बनेगा हमारे ग्रोथ रेवेन्यू कर्व को। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो रहा है वो इस पॉइंट के ऊपर हो रहा है जहाँ पे मैंने एक सर्कल जो है ना वो बनाया है। अब अगर इस पॉइंट से जो है ना वो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसके ऊपर और इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ और इसी तरह से इक्विलिब्रियम जो सेल्स रेवेन्यू का जो है ना वो रेट आ जाता है, जो हमें बताता है कि अगर एक फर्म जो है वो जो है अपना ग्रोथ रेट जो है वो जी स्टार और उसकी जो सेल्स रेवेन्यू होगी वो आर स्टार के बराबर होगी, तो वो अपनी जो स्ट्रीम फ्यूचर रेवेन्यूज होंगे उनको जो है ना वो मैक्सिमम कर सकेगी।
अब हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स हैं जी स्टार और आर स्टार जो हमें बता रहे हैं कि जो फर्म होगी उसका जो है ना वो ग्रोथ रेट जो है वो क्या होगा, और इसी तरह से फर्म्स का जो है ना वो सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो किस किस्म का होगा। तो अब हम इसी इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट और इसी इक्विलिब्रियम जो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू का रेट है इसको इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि एक सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग जो फर्म होती है वो कैसे अपनी सेल्स को मैक्सिमम करेगी, और इस मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल की वजह से जो प्रॉफिट होगा उसकी डिटरमिनेशन जो है वो एक एंडोजिनस वेरिएबल के तौर पे हमारे सामने आएगी। अब अगर हम डायग्राम में फर्म के टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को उसकी आउटपुट के साथ जो है ना वो लिंक करें और देखें कि फर्म जो है ना वो कितनी आउटपुट जो है ना वो प्रोड्यूस करे और उसे सेल करे कि वो अपना सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का गोल है उसे भी अचीव कर ले, और जो डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट हो वो एंडोजेनसली हो। तो यहाँ पे वही जैसे कि हमने अजम्पशंस में कहा कि हम जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं या ट्रेडिशनल हमारे पास जो फंक्शंस हैं डिमांड के, रेवेन्यू के और कॉस्ट के, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू का कर्व होगा वो इस तरह का होगा, और इसी तरह से हमारे पास जो टोटल कॉस्ट का कर्व होगा वो हमारे पास जो है इस किस्म का जो है ना वो कर्व कहलाएगा। अब ये जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे ये ओरिजिन्स में से जो है ना वो होके गुजरेगा, जो कि इस बात को जाहिर करेगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो जीरो भी जो है ना वो हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला कर्व जो है ये हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू का जो है ना वो कर्व होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो साफ जाहिर है कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जीरो होंगे वहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है ना वो भी जीरो होगा। अब जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे वहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू का लेवल होगा वो जीरो के बराबर होगा, और जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व्स का दरमियानी फासला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे इसको अगर मैं पॉइंट बी का नाम दूँ तो पॉइंट बी पे हमारा जो प्रॉफिट है वो जीरो के बराबर है। तो अगर हम प्रॉफिट कर्व ड्रॉ करें तो अगर आप देखें जैसे जैसे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व के दरमियान फासला जो है वो बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट कर्व जो है वो ऊपर की तरफ आता चला जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कर्व जो है ये हमारा ग्रोथ रेवेन्यू कर्व भी कहलाएगा, हमारी जो ग्रोथ होगी वो बढ़ती चली जाएगी। जहाँ पे हमारा जो फर्क होगा या जो डिफरेंस होगा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व का वो मैक्सिमम हो जाएगा, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो इस पॉइंट के बाद आपका जो डिफरेंस है दोनों कर्व्स के दरमियान वो गिरता चला जा रहा है, तो इसी वजह से हमारा जो प्रॉफिट कर्व है वो भी गिरता चला जाएगा। और पॉइंट बी पे चूंकि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हैं तो यहाँ पे चूंकि हमारा प्रॉफिट जो है ना वो जीरो के बराबर होता है इसीलिए यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट कर्व होगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। और अगर हम रेवेन्यू को देखें तो हमारा जो रेवेन्यू होगा वो इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है वो जीरो के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमारा जो सेल्स मैक्सिमाइजिंग हमारे पास आउटपुट लेवल होगा वो हमारे पास एक्स स्टार जो है ना वो कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो आउटपुट लेवल है ओ बी, तो एट आउटपुट लेवल ओ बी हमारा जो प्रॉफिट है वो जीरो के बराबर है। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट जो है ना वो जीरो के बराबर है तो साफ जाहिर है कि यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो भी जीरो के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्योंकि फर्म जो है उसका जो बुनियादी एम है वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, अगर हम टोटल रेवेन्यू कर्व से जो है ना वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन देखें तो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जो कि हमने लास्ट भी देखा था आर स्टार जो है इस लेवल को अटेन करने के लिए फर्म जो है वो एक्स स्टार जो है ना वो आउटपुट देगी। अब इस एक्स स्टार आउटपुट पे जो प्रॉफिट होगा उसकी डिटर्मिनेशन क्या होगी, इस एक्स स्टार लेवल पे जो प्रॉफिट का हमारे पास लेवल होगा वो वहाँ पे होगा जहाँ पे ये हमारे पास जो आर स्टार वैल्यू थी इससे हमने नीचे जो है ना वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
और ये परपेंडिकुलर जो है वो हमारे जो ग्रोथ कर्व था या हमारे पास जो प्रॉफिट कर्व है उसको जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट होगा उसका लेवल जो है ना वो पाई स्टार होगा। अब यहाँ पे हमारा ये जो प्रॉफिट है ये हमारे पास एक एंडोजिनस वेरिएबल है, यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये एक्सोजिनसली डिटर्मंड नहीं है बल्कि इसकी जो डिटर्मिनेशन हुई है वो हुई है मॉडल के अंदर ही, और उसकी जो डिटर्मिनेशन हमने की है वो हमने उन दोनों कर्व्स को इस्तेमाल करते हुए यानी आइसो प्रेजेंट वैल्यू कर्व और इसी तरह से ग्रोथ रेवेन्यू कर्व को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेल्स रेवेन्यू लिया, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें पता चला कि हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू होगी जो है वो क्या होगी। यानी अगर फर्म जो है वो अपने सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमम करना चाहती है, इस सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमम करने के लिए उसको इतना जो प्रॉफिट का जो मार्जिन होगा वो लाजमी तौर पर रखना पड़ेगा, या इतने लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है ना उसे लाजमी तौर पर जो है ना वो रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे साफ जाहिर है कि दो हमारे पास जो है ना वो चॉइसेस आ जाती हैं कि अगर तो हमारी फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है तो साफ जाहिर है कि फिर वो इतनी जो है ना वो आउटपुट जो है ना वो प्रोड्यूस करेगी, कम लेवल ऑफ आउटपुट जो है ना वो देगी और प्राइस ज़्यादा रखेगी। और अगर हमारी फर्म जो है वो रेवेन्यू मैक्सिमाइजर है यानी वो अपना रेवेन्यू मैक्सिमम करना चाहती है तो फिर वो प्राइस कम रखेगी और आउटपुट जो है ना वो ज़्यादा देगी, तो वो जो है अपना सेल्स रेवेन्यू का एक गोल जो है ना वो उसको अचीव कर सकती है। जब हम बात करते हैं डायनामिक मॉडल की और डायनामिक मॉडल पे हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हैं तो वही हमारे जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं इस पे भी अप्लाई होंगे जो कि लास्ट हमने स्टैटिक जो सिंगल पीरियड मॉडल है उसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम जो डिस्टिंक्शन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम जो मॉडल है, चूँकि ये जो मॉडल हमने किया है इसमें एडवर्टीजमेंट जो है उसको हमने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अगर हम एडवर्टीजमेंट जो है उसको भी इस मॉडल में इंक्लूड कर लेते हैं और विद एडवर्टाइजमेंट इस मॉडल का इफेक्ट जो है ना वो हम देखना चाहें तो वो सेम इफेक्ट होगा जो कि हमने स्टैटिक सिंगल मॉडल में देखा था कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हमारे पास जो फर्म होगी वो जो एडवर्टाइजमेंट है उस पे एक्सपेंडिचर्स कम करेगी, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजर फर्म होगी वो एडवर्टाइजमेंट पे जो है ना वो ज़्यादा अखराजात करेगी। अब यही यहाँ पे जो डिसीजन होगा कि आया हमने जो अपनी सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाना है उसके लिए फर्म के पास दो सामने जो है ना वो चॉइसेस हैं कि वो अपनी जो सेल्स हैं उनको यानी अपना जो सेल्स रेवेन्यू है उनको बढ़ाने के लिए फर्म अपनी प्राइस को भी कम कर सकती है, और दूसरी तरफ अपनी जो फर्म होती है वो अपने सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमम करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें इजाफा कर सकती है। अब जो हमारे पास पहला ऑप्शन है यानी फर्म अगर अपनी सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमम करना चाहती है तो वो प्राइस कम करके ऐसा कर सकती है, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि फर्म जो चीज़ प्रोड्यूस करके सेल कर रही है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अगर तो जो चीज़ फर्म प्रोड्यूस कर रही है वो लेस इलास्टिक है तो फिर प्राइस कम करना इतना ज़्यादा अफेक्टिव डिसीजन जो है वो नहीं होगा, फिर हमारे लिए जो अफेक्टिव डिसीजन होगा वो यही होगा कि हम अपनी एडवर्टीजमेंट जो है ना उसमें इजाफा कर दें। तो इस हिसाब से जो एडवर्टीजमेंट है वो ज़्यादा अफेक्टिव टूल होता है अपनी सेल्स को मैक्सिमम करने के लिए एज़ कम्पेयर टू प्राइस चेंज करने में, क्योंकि जब हम प्राइस चेंज करते हैं तो वो साफ जाहिर है उसका असर हम तब ही जो है ना वो ले सकते हैं जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी जो है ना वो फेवर में होगी।